पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है। आधिकारिक रूप से झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल और दो जवानों सहित तीन लोग शहीद हो गए और इस घटना में भारतीय सेना के 20 सैनिक भी शहीद हो गए। जवाबी हमले में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खास बात यह है कि इस झड़प में दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली, जिसके बाद चीन की नापाक हरकत का विरोध आज प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में चीन का पुतला फूंका जा रहा है। लोगों का कहना है कि चीन का पूरा बाजार भारत पर टिका हुआ है, अब चीन के सामान को नहीं खरीदेंगे, सभी स्वदेशी सामान को अपनाएंगे, जिससे चीन की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। तो आपको बता दें कि जो गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच झड़प हुई थी, उसको लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त लोग आक्रोशित हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चीन का जो है वो गाजियाबाद में पुतला फूंका गया। लोगों ने जो है चीन का पुतला फूंका, लोग चीन का विरोध कर रहे हैं और चीनी सामान का भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चीनी सामान का जो है बहिष्कार करेंगे और जो चीन है उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों का कहना है कि जो चीन का बाजार है वो पूरी तरीके से भारत पर टिका हुआ है, तो इस तरीके से भारत में चीनी सामान का विरोध कर आर्थिक रूप से चीन की कमर तोड़ी जाएगी। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोगों के अंदर आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और लोग किस प्रकार से जो पुतला है वो फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है। आधिकारिक रूप से झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल और दो जवानों सहित तीन लोग शहीद हुए और इस घटना में भारतीय सेना के 20 सैनिक भी शहीद हुए हैं। जवाबी हमले में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खास बात यह है कि इस झड़प में दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली थी, उसके बाद भी इतने जवान जो है भारत के शहीद हो गए, जिसके बाद चीन की नापाक हरकत का जो विरोध है वो आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, गाजियाबाद से तस्वीर है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में जो चीन का पुतला है फूंका गया है। साथ ही आपको बता दें लोगों का कहना है कि चीन का पूरा बाजार जो है वो भारत पर टिका हुआ है, अब चीन के सामान को नहीं खरीदेंगे और सभी जो लोग हैं जो भी भारत के लोग हैं वो स्वदेशी सामान को अपनाएंगे, जिससे चीन की आर्थिक कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो इस वक्त जो भी प्रदेशवासी हैं, जो भी देशवासी हैं, सभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सभी के अंदर आक्रोश है। सभी जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत से काफी गुस्से में हैं।